कसाम से बॉन्डिंग अलाया के बाद कैसी रही, बढ़ी, या तुम्हें लगा कि टाइम सारा अलाया ने खा लिया ना? मतलब जो कुछ अरसे तक तो कसाम होता है ना कि जब आप यू नो यू गिवन अ डॉटर, शी सो प्रेशियस, तो मेरी तो इज्जत बहुत ही बढ़ गई थी एकदम से ना. उसने कहा कि उफ आई रिस्पेक्ट यू, और एक्शंस में भी दिख रहा था. उसके बाद एक साल बाद नॉर्मल वापस हो गए. अरे चलो उधर बैठो, कुछ नहीं होता. ये वो पहले तो बड़ा ख्याल किया जा रहा था, लेकिन ऑफ कोर्स वो टाइम भी ऐसा होता है. एंड कसाम इज अ ग्रेट हस्बैंड. ये उसने मेरी बड़ी, क्योंकि शो होता था तो अलाया को फीड वीड करा के अब बर्प भी तो कराना होता था, और मेरा सुबह शो होता था. अच्छा, तुम शोबिज में नहीं थी जब से कसाम को जानती हो? हाँ, है ना. तो तुम जब शोबिज में आ गई और ये वो ग्लैमर शे, तो दिमाग नहीं खराब हुए? सोचा नहीं कि नहीं 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 कोई और भी हो सकता है इस तरह? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं, कोई एक मोमेंट भी ऐसा नहीं आया? कभी भी नहीं. तो मैं तो कसाम को बिफोर आई स्टार्टेड वीजिंग तब से मैं जानती थी. तो उसने मेरी पूरी जर्नी देखी है, 30,000 रुपये से काम स्टार्ट करके, आहिस्ता आहिस्ता करके करके कर करके अब तक. सो कसाम तो मुझे तब जानता था जब कसाम मुझे अपनी अम्मी से पैसे लेके, ऑफ कोर्स बिकॉज हम दोनों सेम एज के हैं ना, कि वो हम लोग नैंडोज वगैरह वहाँ जाते थे, मेरे पास पैसे नहीं होते थे, एक बैग होता था मेरे पास, और हम लोग इस तरह घूम रहे होते थे. तो ही नोज द रियल सन, यू नो, हम लोग सब अब्बा अम्मी के पॉकेट मनी पे तो जिंदा थे, और क्या, वी डिडंट हैव अ जॉब, वी वर किड्स, यूनिवर्सिटी में थे. सो दैट्स, सो वी गो बैक अ लॉन्ग वे. और कसाम मेरे साथ स्कूल में भी था एक टाइम पे. तो जब आपको इतना कोई जानता है ना, तो मेरे ख्याल से वो वाली चीज़ बीच में नहीं आती.